देखा ये जाता है कि जो ये चीज़, एक और सवाल हमारे क्लिनिक में लोग आके करते हैं कि क्या जो बच्चे IVF से पैदा होते हैं, क्या इनको आगे जाके IVF ही करवाना पड़ेगा अपनी रिप्रोडक्शन के लिए? तो इसका तो सबसे बड़ा सबूत लुई ब्राउन है कि वो जो है, जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर नायला, कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट और इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करनी है और इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस हमारे पास आते हैं कि क्या जो बच्चे IVF से पैदा होते हैं ये आम बच्चों जितने होते हैं या उनसे बेहतर होते हैं या उनसे कमतर होते हैं? क्या जो IVF से पैदा होने वाले बच्चे हैं इनको आगे जब ये जवान होंगे तो इनको रिप्रोड्यूस करने के लिए क्या IVF की ज़रूरत होगी? क्या इनके अंदर कोई बड़े या छोटे बनावटी निकाय के रेशो ज़्यादा तो नहीं होती है? ये बहुत सारे वो लोग हमसे सवाल करते हैं जो हमारे क्लिनिक में IVF के लिए बुक होने के लिए आते हैं, तो इस पे आज पूरी डिटेल से बात करते हैं। आप में से जो कोई मेरी अपॉइंटमेंट लेना चाहता है उसके ऊपर, उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर आ रहा है, आप वहाँ से मेरी अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं और मेरे PA से अपॉइंटमेंट फिक्स करके आप मुझ तक पहुँच सकते हैं। तो इसके ऊपर जो अब इस टाइम पे हम, जिस वक्त मैं ये बात कर रही हूँ, IVF बहुत एडवांस टेक्निक हो चुकी है। IVF पूरी दुनिया में तकरीबन 8 से 10 मिलियन बच्चे जो हैं वो IVF के ज़रिए से पैदा हो चुके हैं। इवन जो पहला IVF बेबी है लुई ब्राउन, वो अब 40 ईयर से ऊपर की हो गई है और उसके कुदरती तरीके से आगे प्रेगनेंसी हुई और उसके अंदर वो नॉर्मल आम लोगों की तरह बिल्कुल नॉर्मल है। अब ये चूँकि IVF एक बहुत ही कॉमन प्रोसीजर होता जा रहा है, तो इसके बारे में जो सवाल है वो भी बहुत सारे लोगों के ज़हन में आते हैं और आने भी चाहिए। इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च हो चुकी है, एक बहुत बड़ी रिसर्च 2016 में पब्लिश हुई थी। उसमें देखा ये गया कि बड़े और छोटे बनावटी निकाय जो कि नॉर्मली कंसीव, नेचुरली कंसीव बच्चों के अंदर, जिसकी रेशो 5 से 6% है, जब ये IVF के बच्चों के ऊपर की गई तो इसकी रेशो तकरीबन 7 से 8% निकली। यानी नेचुरली जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें बनावटी निकाय 6 से 7% है और जो IVF से बच्चे पैदा हो रहे हैं उनमें 7 से 8% है। आपने मेरी वीडियो गौर से सुननी है क्योंकि इसको मैं पूरा डिटेल में आपको बताऊंगी। अब इसके अंदर बड़े बनावटी निकाय भी शामिल हैं और छोटे बनावटी निकाय, यानी खुदा न खास्ता किसी की एक डिजिट ज़्यादा आ गई हो, उसके अंदर कोई बर्थ मार्क हो, कोई मोल हो, ये सारी चीज़ों को उसके अंदर जो है वो ऐड किया गया था, तो ये रेशो तकरीबन मिलती जुलती है। अब जब उन्होंने इस रेशो को देखा तो उन्होंने देखा कि क्या ये जो सारा 1-2% का फ़र्क आ रहा है ये IVF में लगने वाले टीकों की वजह से है, कल्चर मीडिया जिसमें बच्चा ग्रो करता है उस वजह से है, या जो आर्टिफिशियली हम फर्टिलाइजेशन करते हैं इस वजह से है। इस सारे प्रोसेस को जब डिटेल से स्टडी किया गया तो पता ये लगा कि अंडे की क्वालिटी बिल्कुल वैसी थी, फर्टिलाइजेशन बिल्कुल वैसी थी और जो एम्ब्रियो बना वो भी बिल्कुल वैसा था। तो फिर ये जो 1-2% का फ़र्क आया इसकी क्या वजह हो सकती है? तो यहाँ पे जब डॉक्टर सारे सर जोड़ के बैठे, इन्होंने रिसर्च किया साइंटिस्ट ने, तो पता ये चला कि नॉर्मली IVF कपल जो होता है वो उनकी एज जो नेचुरली कंसीव करने वाले कपल्स हैं उनसे ज़्यादा होती है और कोई भी फ़ौरन से 1-2 साल की इनफर्टिलिटी के बाद IVF की तरफ नहीं जाता। पहले लोग 2-3 साल नेचुरली ट्राई करते हैं, IUI करवाते हैं और उसके बाद फिर जो है वो IVF की तरफ आते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो वजह थी वो ये थी कि एज, अब एक बीमारी होती है जिसको हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। अगर 35 साल की औरत कुदरती तरीके से बच्चा पैदा करती है तो तकरीबन 1 में से 365 में से हर 1 बच्चा जो है वो डाउन सिंड्रोम होने का उसमें रिस्क है। लेकिन अगर यही 40 साल की औरत बच्चा पैदा करती है तो 40 में से 1 बच्चे के डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क हो जाता है। तो देखा ये गया कि जो नेचुरली कंसीव करने वाली खवातीन थी डेटा के अंदर वो कंपैरेटिवली यंग थी और जो IVF से कंसीव करने वाली फीमेल्स थी वो कंपैरेटिवली जो बड़ी एज की थी। तो बात ये निकली कि एबनॉर्मेलिटी का जो वजह है वो IVF नहीं बल्कि फीमेल की एज है। अब उसके बाद एक और इसके बाद रिसर्च की गई जो बिल्कुल रीसेंट रिसर्च है वो, उसमें ये पता चला कि दोनों के अंदर स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटीज़ का डिफरेंस तकरीबन 1 जैसा पाया गया। अब देखा ये जाता है
कि जो ये चीज़, एक और सवाल हमारे क्लिनिक में लोग आके करते हैं कि क्या जो बच्चे IVF से पैदा होते हैं क्या इनको आगे जाके IVF ही करवाना पड़ेगा अपनी रिप्रोडक्शन के लिए? तो इसका तो सबसे बड़ा सबूत लुई ब्राउन है कि वो जो है उसने वो IVF से पैदा हुई लेकिन आगे उसके नेचुरली बच्चे हुए और नॉर्मल उसकी तरह है। बल्कि देखा हमारी जो प्रैक्टिस है वो ये है कि IVF से जो होने वाले बच्चे होते हैं वो कंपैरेटिवली उनकी जो टेक केयर होती है, उनका ब्रॉटअप होता है, वो ज़्यादा अटेंशन से किया जाता है। तो लिहाजा ये बच्चे आम बच्चों की निस्बत जो होते हैं वो ज़्यादा ब्राइट होते हैं, क्योंकि इनको पेरेंट्स की और फैमिली की जो तवज्जो है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन IVF के बच्चे से पैदा होने वाले जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कहीं पे भी जो बड़े एबनॉर्मेलिटीज़, मेंटल प्रॉब्लम या उसका रेशो ज़्यादा नहीं है। अगर वो कहीं पे है भी तो वो फीमेल की एज की वजह से होता है। दूसरी एक बड़ी वजह जो IVF के अंदर होने वाले बच्चों के अंदर एबनॉर्मेलिटी कंट्रीब्यूट करती है वो ये होता है कि जो मेल जिनके स्पर्म काउंट कम होते हैं वो IVF जो मेल की वजह से किए जा रहे होते हैं स्पर्म काउंट कम या होने की वजह से या एक्सटीजा और पिज़ा करके जो वो किए जाते हैं उसमें देखा ये गया है कि उन मेल के अंदर क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ की रेशो बहुत ज़्यादा होती है। तो जिसकी वजह से वही क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी चाहे वो नेचुरल से कंसीव करते चाहे वो IVF से कंसीव करते वो तो आगे आके इकट्ठी होनी ही होनी थी। तो ये एक दो वजूहात हैं जिसके अंदर अगर एक कपल यंग है उसके अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी नहीं है तो चाहे वो IVF से कंसीव करे चाहे वो नेचुरली कंसीव करे उसका जो होने वाला बच्चा है वो बिल्कुल तमाम तरीके से नॉर्मल होगा। और IVF में जो लगने वाले इंजेक्शन्स हैं अंडे बनने के लिए, जो अंडों को उठाने वाला प्रोसेस है एग पिकअप, या जो अंडों और स्पर्म को मिलाने का प्रोसेस है ICSI, या जो वापस उसको ग्रोथ करके जो वापस यूट्रस में डालने का प्रोसेस है वो अंडे स्पर्म या एम्ब्रियो के अंदर कोई तब्दीली नहीं करता और ये बच्चे नॉर्मल बच्चों की तरह ही होते हैं। उम्मीद है कि जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ मैं समझा पाई होंगी और इसको मैंने प्रॉपर रिसर्च उनके जो वो होंगे रेफरेंसेस होंगे वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी ताकि आप में से जो कुछ पढ़ना चाहे वो उसको पढ़ सके। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।